पढ़ेंगे सेंटेंस का सेकेंड टाइप, इट्स मीन सेकेंड काइंड, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। दुनिया में अधिकतर से अधिकतर हम लोग प्रश्न का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न वाली बातों का इस्तेमाल करते हैं। घर में भी हमारे अगर बात करें, हमारी मम्मी, बेटा तुमने खाना खाया? हाँ मामा मैंने खा लिया। ये भी प्रश्न है, बेटा तुमने खाना खाया, ये नॉर्मल वर्ड है। लेकिन अगर इसको साफ और सही लफ्जों में पूछा जाए तो बेटा क्या तुमने खाना खाया, ये होगा, है ना? तो हाँ मामा मैंने खा लिया, साफ और सही लफ्ज में होगा बेटा क्या तुमने खाना खाया। तो बेटा बोलेगा लेकिन नॉर्मल शब्द में खाना खाया? हाँ मम्मी खा लिया। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। तो ये एक तरीके से हम लोग जो रोजमर्रे की जिंदगी में बात करते हैं बहुत आसान शब्दों में करते हैं, लेकिन अगर सटीक तरीके से ऑफिशियली टाइप से अगर हमें बात करना होगा तो हम क्या, कब, कैसे, कहां, किधर, ये सब चीजों को लगाकर क्वेश्चन को पूछते हैं। भैया यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो वर्ब पहले आता है इसमें। ये ग्रामेटिकल सेक्शन है, कहने का मतलब कि ग्रामर के अकॉर्डिंग या इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो हम डेफिनेशन यही दे सकते हैं कि क्वेश्चन आर सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वैसा वाक्य होता है इन विच द वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, पहले वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, किसका, क्वेश्चन सेंटेंस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। सेकेंड, अगर हम नॉर्मल कॉमन बातों में बात कर सकते हैं कि आखिर प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, व्हेन वी आस्क एनीथिंग, जब हम कोई भी चीज पूछते हैं, ठीक है ना, लाइक अ क्वेश्चन, देन वी कैन से दैट इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। ओके, जैसे मैंने पूछा क्या तुमने लिख लिया? हाँ सर मैंने लिख लिया। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ये क्वेश्चन वाली बातें कहलाती है। दो पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। अब आई आपकी बारी। ऐसे मैं बता देता हूं, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इसका हिंदी करना और बताना है कि ये क्या है। आर यू एंग्री? इज द बॉय लेट? वेयर इज माय बाइक एंड व्हाट इज योर नेम? चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। पहले बताइए क्या लिखा हुआ है, क्या तुम गुस्सा हो? पहले इंग्लिश देन फिर हिंदी, ऐसे ऐसे। आर यू एंग्री? क्या तुम गुस्सा हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आर यू एंग्री? क्या तुम गुस्सा हो? किसी से भी पूछ सकते हैं अगर वो नाराज हो या गुस्सा है तो। सेकेंड है आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या वो लड़का लेट है? बहुत बढ़िया। क्या लड़का लेट से या क्या लड़का देर से आया है? ये चीज क्या तुम बोल सकते हो, बोलो। बॉय लेट तो लड़का देर है, लड़का देर से है। कंप्लीट सेंटेंस ले लेगा, कंप्लीट सेंटेंस से नहीं बोल रहा। लड़का नहीं, इज द बॉय लेट, क्या लड़का देर से है। जैसे देखिए अब कहा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बात हो रहा है। कोई क्लासेस चल रहा है, कोई अगर दूसरा है या फिर देर थी, क्या अब कोई प्रिंसिपल बैठा हुआ है, स्टूडेंट बहुत लेट से है, उसको एंट्री नहीं मिल रही है, तो ये क्वेश्चन टीचर से कर सकते हैं कि क्या लड़का देर से है। उसमें सर कि क्या मैं लेट हुआ? हाँ ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो फिर लड़का जवाब देगा कि हाँ सर आई एम लेट बिकॉज द ट्रैफिक इज शो रस, दैट्स व्हाई क्लास टाइम इज नो मोर टू अटेंड द राइट टाइम, मतलब मेरे पास क्लास करने का समय ज्यादा नहीं बचा जो कि मैं सही समय पे क्लास में आता, ये वाला। लेकिन अगर इसमें और भी बात हम लोग करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर में हम लोग बैठे हुए हैं, कोई आदमी इंतजार करे उस लड़के का, इज द बॉय लेट, क्या वो लड़का देर से है, तो मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में सेंटेंस में लगे कि दिक्कत है ना, तो फिर इसे एक ट्रिक है समझने का। ये ट्रिक क्या है मैं बता देता हूं। मैंने कहा इज द बॉय लेट, तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, द बॉय इज लेट, ये नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। पढ़े ना आपने अफर्मेटिव से, द बॉय इज लेट, लड़का देर से है, है ना, या लड़का देर करता है, ये भी बात आ जाएगा। अब इसे हम इंट्रोगेटिव में ऐसे फिट कर दिए, अब पता चल रहा है द बॉय इज लेट, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, इज द बॉय लेट, यानी लड़का देर करता है, या लड़का देर से है, या लड़का देर है, ठीक है ना। इट्स मीन देर का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई सही समय पे अपना ना हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं देर है। तीसरा आप ही क्या है यहाँ पे, माय बाइक, मेरी बाइक कहाँ है, तो आप ही बता पाइएगा कि कहाँ रखे हैं आप, कहाँ लगा के आए हैं। वेयर इज माई बाइक, यानी मेरी बाइक कहाँ पे है, मतलब मेरी गाड़ी कहाँ पे है, ये बहुत बढ़िया। एंड लास्ट आपका है अनीस, व्हाट इज योर नेम, है तुम्हारा तो बहुत इजी गया, व्हाट इज योर नेम बताइए। मेरा नाम अनीस राज नाम, बहुत बढ़िया, गुड। मैं इंग्लिश में बोलो, व्हाट इज योर नेम, अनीस, सॉरी
माई नेम माई नेम इज अनीस अनीस राज गुड कोई बात नहीं होता है गड़बड़ गड़बड़ होगा तो सही होगा व्हाट इज योर नेम माई नेम इज अनीस राज तुम्हारा नाम क्या है इस तरीके से प्रश्न अक्सर हम लोग करते हैं और ये बातें अक्सर होती हैं जिसमें हम लोगों ने प्रश्न का यूज करना है और हम लोगों को उसका उत्तर मिलेगा आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम तो अगला आदमी क्या बोलता है यस 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 नो 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 ऐसे तो नहीं बोलते अपना नाम बताएगा ठीक है कुछ बातें अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस दो टाइप का होता है मैं भी बताऊंगा यस नो और डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है आगे क्लास में ये चीज जिक्र होगा नोट वन में मैंने कहा कि क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया इंट्रोगेटिव यानी आप क्वेश्चन बोले या फिर इंट्रोगेटिव कई बुक्स में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस करके देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य नेक्स्ट है क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य दिया जाता है अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा यानी वो अगर आप हाँ बना रहे हो एग्जामिनेशन में ये सब चीजें आपको कम्पिटेटिव लेवल तक जाएंगी और फिर आपके एग्जामिनेशन चाहे ग्रेजुएशन हो इंटर हो जो भी एग्जाम हो इसमें आता है जैसे इंटर के एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया होगा या अभी जो देंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देता है हिंदी दे देता है और कहता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए कई बच्चे लोग ऐसे प्रश्न को जैसे कि क्या तुम गुस्से हो ठीक है ना तो इस सेंटेंस को लिखेगा आर यू एंग्री और ये वाला छोड़ देगा क्या कर देगा छोड़ देगा क्योंकि उसे ये समझ में आती कि देना है नहीं देना बहुत बार मैंने देखा एक चीज नोटिस किया है ये छूट गया इसका मतलब सारा खत्म आपने सही लिखा आर यू एंग्री सही लिखा है लेकिन ये छोड़ दिया आपने सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया इसीलिए जो अफर्मेटिव हमने शुरुआत में स्टेटमेंट देखा था उसमें फुल स्टॉप जितना जरूरी है उतना इसमें क्वेश्चन मार्क जरूरी है ओके एंड द थर्ड वन क्वेश्चन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट का सबक्रम रहता है यानी अरेंजमेंट कैसे रहेगा पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पहले आपको बोलना है ये क्या लिखा हुआ है इसका हिंदी क्या हो गया क्या वो यहाँ बहुत बढ़िया वेरी गुड ताली बजाइए भाई इनके लिए एकदम सही सही जवाब दे रहे हैं नेक्स्ट है आपका ये वाला आर यू हैप्पी इसका क्या तुम खुश हो और तीसरा आपका है क्या हुआ क्या वो अनुपस्थित था ये तीनों में अब तुम मनीष बताओ कि ये तीनों मैंने जो लिखा है इसमें कुछ गलती है कुछ गलती बोले तो कहाँ गलती कुछ भी गलती माइनर चाहे मेजर मिस्टेक दिख रहा है इसमें है क्या गलती है अनीश उसमें आई और आप बताइए क्या गलती है क्वेश्चन मार्क नहीं सही है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क नहीं है मैंने जानबूझ के छोड़ा था ये क्वेश्चन मार्क कि आप लोग पकड़िए क्योंकि दो है हम लोग डिफरेंसेस तभी पकड़ पाते हैं जब हमारे सामने तो विजिबिलिटी में दो एक में था ही नहीं इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया दोस्तों स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन सेंटेंस को खत्म किया इफ यू हैव एनी डाउट टू रिलेटेड टॉपिक देन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं ना अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पोकन से रिलेटेड ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हम लोग दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए कोई भी चीज घर में भी मम्मा मैं जाऊं इसका मतलब मम्मा क्या मैं जाऊं हाँ बेटा तुम जा सकती हो या नहीं जा सकती ये बात होता है मम्मा खाओ मम्मा पहनो मम्मा ये यानी ये चीज अरे यार चलना है आज बाहर चलोगे कि नहीं ठीक है ना यानी फ्रेंड से हमेशा जब हमने पहला वर्ड इस्तेमाल करना है ना वो चीज की प्रश्न से ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर किसी दूसरे से पूछना होता है तो अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है कैसा शब्द पहले आएगा ये चीज लेकिन जहां तक आप नोटिस कीजिएगा दिन भर में बहुत ज्यादातर आप जो शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा वो प्रश्न ही होगा अगर आप जैसे भैया से कोई भी चीज तो प्रश्न पूछते हैं कि क्या है इतना है ऐसे है वैसे है देखिए ये प्रश्न है अगर आप भी जैसे इमेजिन करते हैं पढ़ाए जाती होंगे चाहे कुछ भी तो वहां पे भी बच्चे लोग से क्या हाँ बताओ जल्दी ये सारी चीज प्रश्न तुम्हारा अगर पापा से कुछ बोलना है तो प्रश्न पापा ये चीज कर ले ये चीज कर ले नहीं है ना ये चीज चाहे तुम भी आते हो कि सर ये क्या है चाहे ये कैसे है ये प्रश्न जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादातर आती हैं और हम लोग इस पे बहुत ख्याल रखेंगे बहुत बारीकी से और जो आज मैंने ये चार सेंटेंस दिया है आप इसे अक्सर यूज कर सकते हैं अगर अनु गुस्सा हो जाएगी तो आप पूछेगा बोले ना क्या करें मनाने के लिए ठीक है ये वाला अगर आप लोग हैं कोई भी घर में चाहे जो भी चीज है प्रत्येक दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर भाई नहीं आया तो इज द ब्रदर लेट ठीक है ना या नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं बॉय की जगह पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं और नाम से आ जाएगा वेर इज माई बाइक इस बाइक की जगह पे दुनिया का कोई भी नाम डाल दीजिए वेर इज माई कीज मेरा चाबी कहाँ है वेर इज माई लॉक मेरा लॉक कहाँ है वेर इज माई पेन मेरा पेन कहाँ है वेर इज माई पर्स
दुनिया का कोई भी नाम डाल देंगे सब चीज यूज हो जाएगा। अगर हम बात करें व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे ये बहुत कॉमन सा है, नाम की जगह पे कुछ भी लिख सकते, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर हाँ कुछ भी लिख सकते, व्हाट योर एजुकेशन, व्हाट क्वालिफिकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा कितनी है, ये सारी बहुत तरीके से व्हाट करके हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाउंस किया, आई होप स्टूडेंट की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप भी अगर कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।